दोस्तों नमस्कार, किताबी दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कस्तूरबा गांधी पर लिखे गए उपन्यास बा के बारे में। ये उपन्यास गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया है। जैसा आप सब जानते हैं, महात्मा गांधी के जीवन, उनकी वैचारिकी और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान पर अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं। किंतु अत्यंत विडंबना और विस्मय की बात यह है कि कस्तूरबा गांधी के जीवन पर बहुत कम लिखा गया, और जो थोड़ा बहुत लिखा भी गया वह आज सहजता से उपलब्ध नहीं है। सिर्फ कस्तूरबा गांधी ही नहीं, स्वतंत्रता संग्राम की अनेक नायिकाओं के बारे में आज बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। गिरिराज किशोर ने इस अभाव की पूर्ति करने की दिशा में एक प्रयास किया है। आपको याद होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बहुत पहले कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता के विषय में एक लेख लिखा था। उस समय तो इस लेख से प्रभावित होकर कई लेखकों ने नारी पात्रों पर केंद्रित रचनाएं लिखी थी, किंतु उदासीनता की वह परंपरा आज भी विद्यमान है। यदि बात कस्तूरबा के संबंध में की जाए तो कस्तूरबा के पिता गोकुलदास माकन जी और मोहनदास के पिता करमचंद, दोनों लोगों के पास पास घर थे पोरबंदर में। गोकुलदास माकन जी की पुत्री कस्तूर उनको बड़ी लाडली थी। करमचंद अब पोरबंदर के दीवान थे और नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, इसलिए गोकुलदास माकन जी ने कम आयु में ही अपनी बेटी कस्तूर का विवाह मोहनदास के साथ में कर दिया। विवाह से कुछ पहले ही करमचंद का तबादला राजकोट के दीवान के रूप में हो गया, इसलिए कस्तूर को अपने पति के साथ में राजकोट जाना पड़ा। शादी के बाद में कस्तूर को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मोहनदास अपने दोस्तों के उकसाने पर कस्तूर पर तरह तरह के संदेह किया करते थे। उनसे अपने प्रति वफादार रहने की शपथ लेने को कहते थे, बिना अनुमति के घर से बाहर निकलने पर भी मना किया करते थे। इस प्रकार की कई पाबंदियां उनको झेलनी पड़ी, यहां तक कि वो मांसाहार करने लगे अपने और अपने दोस्तों के साथ में वेश्यालय भी जाने लगे। इन सब बातों का पता कस्तूर को चलता रहता था, लेकिन वे अन्य परिजनों से इनको छुपाती थी ताकि परिवार में कलह ना हो। विवाह के कुछ साल पश्चात करमचंद की मृत्यु हो गई। उस समय कस्तूर गर्भवती थी। करमचंद की मृत्यु के 4 दिन बाद ही उन्होंने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वह बहुत थोड़े दिन ही जीवित रहा। कुछ दिनों के अंतराल पर ही हुई इन दो मौतों से कस्तूर को बहुत सदमा पहुंचा, लेकिन उन्होंने जी कड़ा कर इनको बर्दाश्त किया। दीवान करमचंद की मृत्यु के बाद गांधी परिवार के सुचिंतकों ने मोहनदास की माता पुतलीबाई को सलाह दी कि यदि मोहनदास लंदन जाकर बैरिस्ट्री की पढ़ाई करें तो वे अपने पिता का स्थान ले सकते हैं। मोहनदास को भी ये बात जच गई और उन्होंने लंदन जाने का फैसला किया, किंतु कस्तूर को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उन दिनों वैष्णव परिवारों का सागर पार जाना ये अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। लेकिन मोहनदास को तो विदेश जाकर पढ़ने का आकर्षण था, इसलिए उन्होंने कस्तूर की इस आपत्ति को नहीं माना। लेकिन मोहनदास के लंदन जाने की पढ़ाई के लिए पैसे की व्यवस्था ना हो पाने पर कस्तूर ने अपने गहने उनको दे दिए और उनसे मिली सहायता से अंततः 4 सितंबर 1888 को मोहनदास लंदन के लिए रवाना हो गए। और बाकी बच गई कस्तूर, जो भारत में 3 साल तक उनकी प्रतीक्षा करती रही। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कस्तूर अनपढ़ होने के कारण उनको चिट्ठी भी नहीं लिख पाती थी। खैर, जैसे तैसे 3 वर्ष गुजरे और मोहनदास ने भारत आने का फैसला किया अपना अध्ययन पूरा करने के बाद। उनके भारत आने के कुछ पहले ही पुतलीबाई की मृत्यु हो गई। पुतलीबाई कस्तूर के लिए उनकी माँ और संरक्षिका जैसी थी। उनकी मृत्यु के बाद कस्तूर और अकेली पड़ गई। जब मोहनदास भारत लौटे तो सबको अपेक्षा थी कि मोहनदास भारत लंदन में बैरिस्ट्री की परीक्षा पास करके वापस आए हैं, उनको वापस आते ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोहनदास ने भी इसके लिए बहुत प्रयास नहीं किया। तब कस्तूर ने उनको समझाया कि हमारे परिवार पर बहुत कर्ज है, आपको भी अपने भाइयों की सहायता करने के लिए रोजगार तलाशना चाहिए। पत्नी की यह बात मोहनदास को इतनी बुरी लगी, उनका स्वाभिमान इतना आहत हुआ कि उन्होंने कस्तूर को अगले दिन ही उनके मायके भेज दिया। खैर, भाइयों की सलाह पर कस्तूर मोहनदास मुंबई जाकर वकालत की प्रैक्टिस करने लगे, लेकिन वहां उनकी प्रैक्टिस चल नहीं पाई और अपने गुजारे के लिए उनको एक स्कूल में पढ़ाई का काम करना पड़ा। बेरोजगारी का ये दौर चल ही रहा था कि मोहनदास को दक्षिण अफ्रीका की एक व्यवसायिक संस्था दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी की ओर से नौकरी का प्रस्ताव मिला। मोहनदास दक्षिण अफ्रीका चले गए। भारत में कस्तूरबा फिर अकेली रह गई। कस्तूर को बड़ी चिंता होती थी कि उनके बच्चे अपने पिता के बिना उनकी अनुपस्थिति में बड़े हो रहे हैं। खैर, जैसे तैसे वो दिन काटने लगी। 1 वर्ष व्यतीत हुआ तो मोहनदास ने भारत आने का निश्चय किया, लेकिन उन्हीं दिनों गिरमिटिया मजदूरों के मताधिकार का संकट उत्पन्न हो गया। जो चंद प्रतिष्ठित भारतीयों को मताधिकार का जो अधिकार मिला हुआ था वह उनसे छीना जाने लगा। उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए मोहनदास ने दक्षिण अफ्रीका में ही रुकने का निर्णय किया। वहीं डरबन में उन्होंने अपना ऑफिस खोल लिया और उनके हकों की लड़ाई लड़ने लगे।
काफी वर्ष व्यतीत करने के बाद में 1899 में 6 महीने की छुट्टी लेकर मोहनदास भारत आए। भारत में कुछ समय रहने के बाद वो फिर से अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ में दक्षिण अफ्रीका रवाना हो गए। दक्षिण अफ्रीका के समुद्र तट पर उनको गोरे आंदोलनकारियों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। कस्तूर इस बात से बहुत डर गई और बहुत चिंतित भी हुई, लेकिन अपने पति की हिम्मत देखकर उन्होंने भी आगे आने वाली सभी समस्याओं का सामना बहुत हौसले के साथ करने का निर्णय लिया। दक्षिण अफ्रीका में अपने पति द्वारा किए जाने वाले जनहित के सभी कार्यों में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जब मोहनदास ने अपने दफ्तर में काम करने वाले लोगों को अपने घर में रखने का निश्चय किया तो कस्तूरबा ने उनका स्वागत किया और उनको रहने की व्यवस्था की। जब जॉन रस्किन की पुस्तक पढ़ने के बाद में मोहनदास ने बहुत कम पैसों में सादगीपूर्ण जीवन जीने का निश्चय किया और अपनी सारी पूंजी सामाजिक कार्यों में खर्च करने का फैसला किया तो कस्तूरबा ने इस पर भी कोई आपत्ति नहीं जताई। यहाँ तक कि जोहान्सबर्ग से फीनिक्स नाम के एक छोटे सुदूर जंगलों में बसे हुए एक गांव में रहने का निर्णय जब महात्मा गांधी ने किया तो इस पर भी कस्तूरबा सहमत हो गई। एक बार दक्षिण अफ्रीका की मजदूर बस्ती में प्लेग फैल गई। जब महात्मा गांधी को इस बात का पता चला तब वो उनकी मजदूरों की सहायता करने के लिए जाने के लिए तैयार हुए। तब कस्तूरबा ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी और उन्होंने भी गांधी जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर मजदूरों की बहुत सहायता की। इतना ही नहीं, उसके बाद जब झुलू विद्रोहियों के ऊपर संकट आया तो उन्होंने उनकी भी बहुत मदद की। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने फीनिक्स में एक आश्रम स्थापित किया था। उस आश्रम की पूरी जिम्मेदारी कस्तूरबा के ऊपर ही थी। दक्षिण अफ्रीका से जब भारत लौटकर आए गांधी जी तब वहां यहां भी कस्तूरबा ने उनके साथ में बराबर यात्राएं की, आश्रम की जिम्मेदारी भी संभाली, अपने घर के लोगों के बीच में सामंजस्य बनाने का काम भी किया। कस्तूरबा गांधी जी के कार्यों में उनकी अनुगामिनी थी, किंतु जहां आवश्यकता पड़ती थी वहां अपना स्वतंत्र निर्णय भी लेती थी। एक बार सुभाष चंद्र बोस सेवाग्राम में महात्मा गांधी से मिलने के लिए आए। कस्तूरबा उनके लिए चाय बना रही थी। जब बापू ने यह देखा तो उन्होंने आपत्ति जाहिर की कि तुम आश्रम के नियमों का उल्लंघन कर रही हो क्योंकि आश्रम में चाय वर्जित है। तब कस्तूरबा ने कहा कि आश्रम के नियम आश्रम वासियों पर लागू होते हैं। सुभाष बाबू हमारे अतिथि हैं और उनका सत्कार मैं एक अतिथि के रूप में करूंगी, अतः इसमें यह मेरा काम है और इसे मुझे करने दें। इस प्रकार के कई ऐसे प्रसंग हैं जब कस्तूरबा ने अपने पति की हर बात को नहीं माना। खैर, भारत में जब महात्मा गांधी पूरी तरीके से आंदोलनों में सक्रिय हो गए और व्यस्त हो गए तब आश्रम की जिम्मेदारी का काम कस्तूरबा गांधी ने उठाया। जब उनकी जहां आवश्यकता हुई साबरमती में सेवाग्राम में वे वहां तुरंत पहुंचकर उन्होंने बहुत सक्रिय होकर जो है काम किया। उन्होंने समय समय पर सत्याग्रह किया, उपवास रखकर अंग्रेजों का विरोध किया, कई बार जेल गईं। दक्षिण अफ्रीका की विदेशी धरती पर भी जेल जाने वाली वह पहली महिला थी। यहाँ तक कि 22 फरवरी 1944 को जब उनकी मृत्यु हुई तब भी वे आगा खान पैलेस में अपनी सजा ही काट रही थी। मित्रों, यदि देखा जाए तो कस्तूरबा गांधी का जीवन इतना आसान नहीं था। जहां गांधी जी एक तरफ देश के मोर्चे पर सक्रिय थे वहीं कस्तूरबा गांधी देश के मोर्चे पर और अपने परिवार के मोर्चों पर दोनों पर एक साथ सक्रिय थी। वे महात्मा गांधी और हरिलाल के बिगड़ते रिश्तों के लिए लेकर भी बहुत चिंतित थी। इस प्रकार से यदि देखें तो कस्तूरबा गांधी का जीवन भी पूरा संघर्षों से भरा हुआ था। इस पुस्तक में गिरिराज किशोर ने बड़े गहन शोध और अध्यवसाय के बाद इस पुस्तक को लिखा है। इसमें उन्होंने जहां बड़ी सहज और मुहावरेदार भाषा के माध्यम से भारतीय इतिहास के उस कालखंड का वर्णन किया है, वहीं साथ में ये पुस्तक एक सहज गद्य, एक रोचक गद्य का आनंद भी देती है। कस्तूरबा गांधी के जीवन को और उनके संघर्ष को जानने के लिए इस पुस्तक को जरूर पढ़ा जाना चाहिए। धन्यवाद।